इनके विचार और मेरे विचार जब आपस में संघर्ष में निकल के कुछ और आता है तो हम अपने संबंधों में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपने आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पाना है। कई बार ये मेरे लिए विष की तरह होते हैं, कई बार मैं इनके लिए विष की तरह होता हूँ। विष अंग्रेजी वाला नहीं, हिंदी वाला। क्योंकि शहर नहीं बदलता है, जमीन नहीं बदलती है, हम बदलते हैं। और कई बार दुख होता है कि इसे क्या हो गया है, ये क्यों नहीं समझ रहा है, इसकी वजह से इसका इनोसेंस जा रहा है। मुझे लगता है कि मेरी ऊर्जा का स्रोत है कि मैं अब भी अचंभित होता हूं। सेटअप कर लिया है, ये कॉन्वर्सेशन करते हैं दद्दू के साथ। सो फैंटास्टिक, स्वागत है आपका। दद्दू उर्फ विनीत कुमार, मेरे सीनियर फ्रॉम ड्रामा स्कूल एंड माय डियर फ्रेंड। ओके, और मैं विनीत को पहली बार मिला हूँ 87 में, मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया। बट सिंस देन विनीत और मैं दोस्त रहे हैं, अमेजिंग दोस्ती हुई है हमारी, और बीच बीच में मिलते हैं, शायद इसीलिए दोस्त हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि हम दोस्ती कहते किसको हैं। साथ रहना, उठना बैठना, खाना पीना, दोस्ती होती क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उठना बैठना, साथ रहना, मिलते रहना, वैचारिक संघर्ष में अगर आप साथ नहीं हैं तो आपका साथ बेकार है। मेरा मानना है कि जब हम आपस में वैचारिक संघर्ष करने लगते हैं, इनके विचार और मेरे विचार जब आपस में संघर्ष में निकल के कुछ और आता है तो हम अपने संबंधों में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अग्रीमेंट में क्या है कि चलो पार्टी में मिलते हैं या फिर खाए पिए मस्त रहे, हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं समझा हूँ विनीत के इस कथन से, कि फ्रेंडशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट अग्रीमेंट कि मैं इसको, उसके मेरे विचार बहुत मिलते रहते हैं, है ना। इट इज़ अबाउट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें एक मंथन सा होता है। बिल्कुल बिल्कुल है, करते हैं। तो एक तरफ जो है वो अमृत निकलेगा और दूसरी तरफ विष निकलेगा, और ह्यूमन बीइंग को दोनों की दरकार है, दोनों की ही दरकार। बिल्कुल है। कई बार ये मेरे लिए विष की तरह होते हैं, कई बार मैं इनके लिए विष की तरह होता हूँ। विष अंग्रेजी वाला नहीं, हिंदी वाला। और विनीत, तुम महादेव के भक्त हो। महादेव और कहीं ना कहीं नीलकंठ का होना भी। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। यही कमाल है कि नीलकंठ को हम कहानी के तौर पर ऐसे देखते हैं कि उन्होंने विष पी लिया। विष उन्होंने पिया नहीं, पी लेते तो वो भी मर जाते। उन्होंने कंठ पे धारण किया। मतलब हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग कितने लोगों का विष कंठ में रखते हैं, ना बाहर निकलता है ना अंदर जाता है। बाहर निकलेगा तो वो विष समाज में फैलेगा, अंदर जाएगा हम विषैले हो तो हम विषैले हो जाएंगे, इसीलिए वो कंठ पे रहता है। पता है हम सबकी जिंदगी में बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं, है ना। बिटर ही होता है। अच्छा, ज्यादातर बिटर होता है। कई बार हम उसको, हमको उसका बिटरनेस दिखता नहीं है क्योंकि हम उसके समर्थन में खड़े होते हैं। और इस सेट ऑफ पीपल के लिए जो चीज़ बहुत वाजिब है, किसी और के लिए नहीं है। बिल्कुल। और जिंदगी ऐसे ही अलग अलग समूहों के साथ बनी। मूलतः अगर आप मेरे समय की बात करें, मेरा समय और आपके समय में थोड़ा फर्क है। काल है, अलग काल, अलग काल है। तो वर्ष अलग नहीं, अलग काल है। काल है, बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं मेरे समय में, जैसे अगर मैं छोटा था तो उस समय कॉलोनी नहीं थी, मोहल्ला था। सुनो ना, तुम्हारा कैमरा ये वाला। ओ, मेरा कैमरा ये वाला है। तो ये तुम्हारा संग, ये मेरा होपफुली। अच्छा, मैं हेड स्पेस मेरा ठीक तो है? हाँ, बिल्कुल ठीक। एक बार चेक कर लो यार। हाँ, देख लेते हैं। चेक तो कर लो, मैं तो ऐसे ही बैठ गया। नहीं, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट दिख रहा हूँ पूरा। हाँ, इनके सामने दिखना बड़ा जरूरी। कमाल दिख रहा हो भाई। हाँ भाई, कमाल दिख रहा हो एकदम। चकाचक चलो। तो पहले मोहल्ला होता था, तो अब मोहल्ले में, जैसे मान लीजिए कि मैं निकला, अपने दोस्त आए, मैं निकला, निकला तो गली में एक बुढ़ा खटिया पे लेटा हुआ है और वो आज की तारीख में गरीब कहलाएगा। गरीब, गरीब आदमी है। हम लोगों को निकलते हुए जो ही देखेगा, पूछेगा, अरे कहाँ जाते हैं रे? बस हम दोस्त आपस में देखते हैं और कहते हैं,
अरे इधर से मत जाओ नहीं तो रात में पिताजी इधर से गुजरेंगे ना तो ये फूंक देगा कान में। आप सोचिए कि हमें मोहल्ला देखता था, समाज हमें कंट्रोल करता था, इसीलिए हमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था। मैं धीरे धीरे इसलिए नहीं कह पाता हूँ कि मेरे जीवन में धीरे धीरे कुछ नहीं हुआ, मेरी प्रकृति है तुरंत शुरू करना। बड़े भाई के दोस्त उन्होंने कहा कि चलो थिएटर, हमको लगा गया रहा यार क्या थिएटर उटर, हमको कुछ समझ में आता नहीं था, हम अपना काम कर रहे थे। तो एक दिन भैया ने कहा अरे जाओ देख लो, अब पहलवान आदमी थे, हम कहा चाहो चलिए देख लेते हैं। गए तो देखा तो लोग जो है वो खड़े होकर टहल के कुछ बोल रहे हैं, तो हमने उनसे धीरे से पूछा ये लोग क्या बोल रहे हैं, बोले अरे ये है ना ये नाटक की किताब, हम बोले अच्छा अच्छा इसी में लिखा हुआ ये लोग बोल रहे, बोले हाँ, बोले अच्छा अच्छा। अब हिंदी मेरी साफ थी, हम पढ़े, नाटक था तुगलक, उसमें उर्दू था, उर्दू बोलना मेरे लिए आसान था और मैंने उसमें रोल कर लिया और चूंकि मैं मेहनती था तो लग गया। 74-75 से जो मैंने शुरुआत की तो 85 तक मैं कॉन्टिन्यूस थिएटर करता रहा। जेपी मूवमेंट के पहले 73 में स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ था, श्री जयप्रकाश नारायण की बात, वो तो 74 में आए थे, उनके साथ ये इन्वॉल्व थे। हम कॉलेज में कह रहा हूँ कि ये दूसरे काल के हैं, ये हमारे दोस्त हैं, दद्दू हैं हमारे, मेरे से एक साल सीनियर ड्रामा स्कूल में, 66 साल के ये, मैं 57 साल का। अब जब हम NSD पहुंचे तो बोलता हम सर्टिफिकेट के हिसाब से 30 के थे, वैसे 31 के थे। कहीं ना कहीं विनीत, हम लोग जब जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ हमको चीज़ मिल जाती है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम उस चीज़ के खो जाने के डर से बाकी ज़िंदगी काटना शुरू करते हैं? जीवन का सत्य यही है कि पहले अर्जन, कि ज्यों ज्यों आप अर्जित करोगे त्यों त्यों खोने का डर भय बढ़ेगा, इसीलिए ज्ञान जो है कभी भयभीत नहीं करता है। लेकिन गुरूर करता है। हाँ, विदेशों में जब हम देखते हैं अमीर लोग तो उनके अंदर ये भाव नहीं होता है कि ये डरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ जो धन वाले लोग हैं वो डरे हुए रहते हैं। तो तमगा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से दुनिया में, अगर हम देखें कि लोग तमगों पर खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे खड़े हो जाते हैं, क्या फ़र्क आया उस इंसान में जो कहीं ना कहीं छोटे कस्बों से पहले पहुँचा दिल्ली और दिल्ली से उसके बाद छिटक कर पहुँचा मुंबई, उस समय बॉम्बे? मेरी कहानी थोड़ी अलग है। वो कहानी जैसा है कि मुझे आज भी फिल्मों का शौक नहीं है, मुझे अपने जीवन में फिल्म करना ही नहीं था, और जब मैं NSD पहुंचा तो मैं खाली नहीं था, मेरा घड़ा भरा हुआ था, लेकिन उस घड़े में जो चीज़ थी उसको डिसिप्लिन्ड कैसे किया जाए ये काम करना था। तो मजबूरन जो है मुझे लगा क्या किया जाए, दिल्ली में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ नहीं लगी थी थिएटर में भी, तो मेरे दोस्त कहा अरे मुंबई आ जाओ देख लो। मैंने वो, हमको याद है 19 नवंबर 1989 को मेरा बक्सा 1x1 शास्त्री नगर लिंकिंग रोड एक्सटेंशन पे उतरा, तब से यहाँ हूँ, अपने आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पाना है। और मजेदार बात है कि ये शख्स जो ये बात कर रहा है, कितनी फिल्में कर ली जाए तुमने? 150 से ऊपर। बस सिर्फ 150 से फिल्म, टेलीविजन कितना किया होगा? वो भी 200। ठीक है, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने इतने सालों में तो 33 ईयर्स, उसके पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और 3 साल, मतलब 36 ईयर्स से मैं तुमको जानता हूँ, और इस शख्स में मैं ये कई बार मजाक में कहता हूँ कि दद्दू तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मतलब कोई शहर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये जो हाँ फर्क सिर्फ ये है कि ये पहले नहीं नहीं हाँ गमछा रहता नहीं, सुनो पूरी बात। हाँ, हाँ। ये तो एक तो बात पूरी कंप्लीट नहीं थी, ये पहले इतना साफ और इतना प्रेस नहीं होता नहीं, नहीं, वो मनोरंजन के बाद। हाँ, वो मनोरंजन, हाँ, मेरी हाँ, पत्नी का नाम है मनोरंजन, और वो थोड़ा सा डिजाइन नहीं नहीं अरे गमछा ये वाला, ठीक है, वो इस वक्त नॉटिंगहम में है, तो इन्होंने बंडी पहली बार, तुमने मुझे गमछा नहीं दिया यार, पहले मैं भी एक दो नया गमछा, अरे अभी, अरे यार ऐसा क्या मतलब है? रुको विनीत, जो विनीत को मैंने ही कहना शुरू किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, उनको दद्दू बुलाना शुरू किया, विनीत मेरा घनिष्ठ है, मेरा मतलब मैं इसके साथ जिंदगी दुनिया लाइफ
कोई भी चीज़ को लेकर कभी भी कोई चीज़ में बात कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे ऑप्शन देते हैं हमेशा। जैसे इस वक्त इन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि मैं क्या चूज करूं। संभाल, अबे हमको क्या मालूम कि तुम उस पर रख दियो हो यार। तुम काहे उसको घेर दियो भाई, ये तो मतलब, अरे यही तो फायदा है कि तुम लोग कहीं पर भी रख सकते हो। ये देखो सब तुम बताओ, तुम ये लाल पहन लो। हाँ पहन, चलो तुम नीले में लाल, ठीक। हाँ अब रख दो उधर, चलो। मोगली छोटा सा था, था, था विदित घर के ताल वाला, कैसे हो मोगली, थाड़ जो मारा हूँ इनका हाथ। उसको नींद आ रही थी और ये जो है फिर भी जो है वो बहुत ही, अरे अंकल कैसे हैं आप, वो दिखावटी नहीं था, वो दिख पता चल जाता। दुख से भागिए मत, दुख ही जो है सुख है। अलशुक्रन बंधु अलशुक्रन दद्दू। अभी देखिए वो पुच्छ से कर लेगा इधर का, ऐसे कर, ये हमको लगता है कि किसी के, देखिए देखिए देखिए।